एग्रीकल्चर और डेयरी फार्मिंग के लिए कुछ इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, ज़रा इनके बारे में जान ले। ये तो आपको पता ही है, एग्रीकल्चर का जो मेन इसका हिस्सा है वो ट्रैक्टर, जॉन डियर, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक्टर है ये। इसके आगे ये जो एटीएम वैन, ये कृष्णा डेयरी फार्म की फिर से एटीएम जो है वैन है, इसको हम दिखाते हैं। ये दूध जो है इसमें बीएमसी रहती है और दूध ठंडा रहता है, ख़राब नहीं होता है और आराम से आप दूध की सप्लाई दे सकते हैं सिटीज़ में जाके, क्योंकि जगह कम घेरती है, ये ऑटो कहीं भी जा सकता है। ये कृष्णा डेयरी फार्म की है जो अक्सर हम सिटीज़ में देखते हैं इसको। ये सत डेयरी फार्म की है, ये भी है छोटी बीएमसी एटीएम मशीन है ये। ये छोटे ऑटो आगे जो आप अपने फार्मिंग को यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे काम इसके लिए जा सकते हैं, अलग अलग कंपनीज के इलेक्ट्रिक ऑटो भी हैं। ये देखिए, ये एक नई मशीन, ये गोबर से, काऊ डंग से लकड़ी बनाते हैं। यहाँ पे इसका गोबर डाला जाता है और यहाँ आगे इसका सांचा लगाया जाता है और फिर लकड़ी बनती है, जो कि लकड़ी आप सेल कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी मशीन है, एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आप अपने डेयरी फार्म में ये बना सकते हैं इस मशीन को लेके। लकड़ी आज सेल होती है, काऊ डंग की जो लकड़ी है बहुत ही डिमांड है उसकी। लेकिन ये इलेक्ट्रिक ऑटो बिना तेल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा ऑटो है ये। ये भी उसी रेंज में छोटा ऑटो है। ये आगे बीएमआर आ गई आपकी, जो मिक्स राशन इसमें किया जाता है, बड़े बड़े फार्म्स में अक्सर देखा जाता है इसको। ये साइज़ के हिसाब से छोटा भी आता है और बड़ा भी आता है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ले सकते हैं।